हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डीजल वर्क्स। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जैक्सन इनलाइन पंप का फ्यूल इंजेक्टर। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे इस फ्यूल इंजेक्टर्स में क्या क्या पार्ट्स रहते हैं और इसको रिपेयर कैसे करना है। सबसे पहले इसके नोजल रिटेनिंग नट को खोल लेंगे। यह है इसका नोजल रिटेनिंग नट, यह है नोजल और इसके नीचे है नोजल किट। ये नोजल किट है, ये नोजल किट का ही एक पार्ट है। नोजल किट के नीचे ठीक आपको मिलेगा स्लॉटेड वाशर। ये सीम है, पिन के बाद हम लोग स्टॉप पिन को निकालें। ये स्टॉप पिन, इसके अंदर काफी सारे पार्ट्स हैं। स्टॉप पिन के नीचे आपको कंप्रेशन स्प्रिंग मिलेगा और कंप्रेशन स्प्रिंग के नीचे आपको ठीक बुशिंग मिलेगा। अब बुशिंग के बाद फिर से स्लॉटेड वाशर। स्लॉटेड वाशर के नीचे आपको फिर से कंप्रेशन स्प्रिंग है और कंप्रेशन स्प्रिंग के बाद ये सीम है। इस इंजेक्टर को हमने डिसअसेंबल कर दिया है, इसके बाद इसमें कोई और पार्ट्स नहीं है। ये इसका बॉडी है, ये देखिए सारे पार्ट्स हमने इसमें रखे। चलिए अब इसको असेंबल करते हैं। सबसे पहले सीम को डालेंगे, उसके बाद कंप्रेशन स्प्रिंग को डालेंगे। कंप्रेशन स्प्रिंग को डालने के बाद स्लॉटेड वाशर को डालेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। स्लॉटेड वाशर को डाल देने के बाद अब हम लोग बुशिंग को डालेंगे। बुशिंग के ठीक ऊपर कंप्रेशन स्प्रिंग लगेगा। अब कंप्रेशन स्प्रिंग के ऊपर सीम लगेगा। इसके बाद हम लोग स्टॉप पिन को डालेंगे। स्टॉप पिन को डालने के बाद इसके ऊपर जो और एक स्लॉटेड वाशर है उसको डालेंगे। ये स्लॉटेड वाशर लगा दिया है, अब हम लोग नोजल किट को लगाएंगे। यह है नया नोजल किट, इसको डाल देंगे। ये नोजल किट का एक छोटा सा पार्ट है, सबसे पहले ये लगेगा, इसको ऐसे लगाना है। उसके बाद इसको लगाना है। इसके ऊपर नोजल को लगाना है। नोजल को लगाने के बाद नोजल रिटेनिंग नट को लगा देंगे और इसको टाइट कर देंगे। दोस्तों, अगर आपने जैक्सन इनलाइन पंप की वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आपको आई बटन पे भी मिल जाएगी और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। और अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसको टाइट करने के बाद चलिए चेक कर लेते हैं ये सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा।